मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते हर क्षेत्र में उनकी पसंदीदा राजनेता या फिर प्रत्याशी के लिए समर्थन रैली निकाली जा रही है। ऐसे में पोहरी विधानसभा में भी विधायक एवं मध्य प्रदेश के लोक कल्याण मंत्री सुरेश राठखेड़ा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वाहनों पर मौजूद रहे और हाथों में झंडा लहराते हुए सुरेश राठखेड़ा के लिए नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से मंत्री सुरेश राठखेड़ा को ही प्रत्याशी के रूप में चुना जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में हम उन्हें भारी बहुमत से विजय करवा सके। इस दौरान मंत्री द्वारा मीडिया से भी चर्चा की गई और साथ ही बताया गया कि मैं हमेशा से ही युवाओं का रणी था और रणी हूँ और सदैव रहूंगा। मंत्री ने कहा कि जिस तरह युवाओं का मुझ पर भरोसा है, मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनके लिए कार्य करता रहूंगा और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है और उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। राज्य के समर्थन के लिए आए और हमारी एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्रीय नेता और लोकल का नेता हमारे राट की राजी को टिकट मिले और हम पूरी युवा टीम उनके साथ हम जिताकर देंगे और भाजपा पार्टी से हम विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं पार्टी को कि हम राट की राजी को जिताकर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पीडब्ल्यूडी मंत्री राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी हैं, उनके समर्थन में युवा निकला है, हर बूथ से हर गांव से उनके समर्थन में एक ये हुजूम निकला हुआ है उनके समर्थन में और बहुत अच्छे मतों से उनको विजयी करने का ये युवा कर रहा है और युवाओं ने ठाना है कि हमको इस उन्नत संकल्प लिया है कि हमको पुनः भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राठखेड़ा जी को विजय करके और फिर भोपाल भेजना है और इस क्षेत्र को एक विकास की गंगा से फिर पुनः जोड़ने का काम युवा संगठन कर रहा है, बहुत ताकत से काम कर रहा है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुरेश भैया हमारे क्षेत्र के नेता हैं, लोकल के नेता हैं, उन्हीं से अच्छा हमें आज तक कोई विधायक ही नहीं मिला है, ना मिलेगा। और साथ समाज में सभी भाइयों के कोई भी एक बड़ा वो है तो जाके घर जाके भी दे दिए, ऐसा नेता हमको लोकल कभी ना मिलेगा ना मिला। इसे हमारी गुजारिश है सुरेश भैया को, सभी लोग लोकल की तरफ सभी लोग दी जानते चाहते हैं, समर्थन में थे और हमेशा है। आज कितनी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं? आप देख लो, आप देख लो, हजारों की संख्या में पूरे अपने युवा कार्यकर्ता है पूरी रोड पट्टी के। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या समर्थन? हमारा समर्थन यही है कि सुरेश भाई साहब टिकट मिलना चाहिए और हमारा तो बस आखिरी यही मांग है। मुख्यमंत्री जी आखिर आपके नेता आपने क्या देखा कि आप सुबह से इन्हें टिकट मांग रहे हैं? क्या जी, ऐसी क्या विशेषता है आपने देखी कि आप दोबारा से इनको टिकट मांग रहे हैं? पूरे क्षेत्र की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है, ये हजारों कार्यकर्ता की मांग है। आप टिकट से पूछ लो, देखो पैसों से भीड़ नहीं आई है। अच्छा आपके कार्य होते हैं क्या? पूरे सर पूरे। अच्छा, हम तो समझते नहीं है कि मंत्री है, स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। हाँ बस हमें तो स्थानीय है, हमें तो जय विधायक चाहिए, जय मंत्री चाहिए और जय इनको टिकट मिलना चाहिए। आप तो हजारों कार्यकर्ता भैया जिंदाबाद। क्या कारण है कि आप अपने समर्थन में आए? वो हमारे घर जैसे नेताजी हैं, चाहे अब हम किसी भी काम को करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो वो हमारी सुनवाई करते हैं। अच्छा उनका निवास कहाँ है? निवास पौरी। वो सहज रूप से आपको मिल जाते हैं? हाँ जी, सहज रूप से मिल जाते हैं, चाहे अब आते हैं तो हमारी सुनवाई करते हैं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने आज युवा का जोश देखा, उनमें कितनी उत्साह थी, कितना जोश था, ये संकेत देते हैं कि 2023 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बड़ा मध्य प्रदेश में बना के देंगे। इनके ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारे देश की शक्ति है, हमारे प्रदेश की शक्ति है। और जो युवा इन्होंने ठाना है कि श्रीमंत महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी के और मुख्यमंत्री के हाथों को हमको मजबूत करना, मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि जो हमारे हाथों को निश्चित मजबूत करेंगे। आज युवा पहुंचे हैं और लोकल को वोकल की बात कर रहे हैं, आपको जन समर्थन दिया है, 1000 लोग बाइक से पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आपसे कहा मैं युवाओं का धन्यवाद करता हूं,
और उनका मैं ऋणी था, ऋणी हूँ और जीवन भर मैं और मेरा परिवार ऋणी रहेगा। जो सब कृपा है तो श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी की कृपा है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कृपा, जो जनसेवा क्षेत्र में हुआ और जो युवाओं ने जो मुझे बल दिया, जो शक्ति दी और जो मेरा सम्मान किया, मैं सदैव इनका ऋणी था। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ 2023 में और 2024 में एक तरफा भाजपा मध्य प्रदेश में आने वाली है।